इस कोरोना काल में सरकार ने मध्यम वर्ग के व्यापारियों और छोटे व्यापारियों के लिए 3,00,000 करोड़ आर्थिक पैकेज के रूप में लोन की घोषणा की है। आज हमारे कार्यक्रम टैक्स टॉक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आर्थिक पैकेज के रूप में लोन की घोषणा की गई है, इससे लोन लेना कितना आसान हुआ है और ये लोन लेने का प्रोसेस क्या है और इसकी वैलिडिटी कब तक है। और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीए दिनेश टोडी। दिनेश जी, सबसे पहले न्याय टीवी के कार्यक्रम टैक्स टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दिनेश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इस कोरोना काल में लोन लेना कितना आसान हुआ है। जो लोन है वो पहले भी बहुत आसान था और अभी भी बहुत आसान है। ये निर्भर करता है कि हम कौन से लोन के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे लोन्स बहुत तरह के हैं भारतवर्ष में। होम लोन है, एजुकेशनल लोन है, कार लोन है, बिजनेस लोन है और उसके अलग अलग तरीके भी हैं। अलग अलग उसके तरीके हैं उसको अप्लाई करने के। जैसे कि आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, NBFC में अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके के लोन हैं, तो बहुत आसान हुआ है। गवर्नमेंट ने बहुत आसान बनाया है। निर्मला सीतारमण मैडम जी ने, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही आसान बना दिया है अभी। अच्छा, हमें ये बताइए, अभी की आर्थिक मंदी में जब लोगों के पास काम नहीं है तो लोन अगर वह लेते हैं तो कैसे चुकाएंगे? हाँ, ये देखिए, जो आर्थिक स्थिति आती है, लास्ट हमारे यहाँ पे 2008 में भी आई थी, तो आर्थिक स्थिति तो एक 10-12 साल के अंतराल में एक बार आती ही है, एक रिसेशन आता ही है। ये इकोनॉमिक्स का एक फंडा है। तो आर्थिक स्थिति जो ऐसी जो अभी जो हमारे भारतवर्ष में आई है, ये भी निकल जाएगी आने वाले कुछ दो तीन महीने में या 4 महीने में, जैसे भी हम देख रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि निकल जाएगा। दिनेश जी, जैसा कि हमारी वित्त मंत्री ने कहा कि लोन दे, CBI, CG, CBC की चिंता नहीं करे, तो यह क्या है? ये उन्होंने अपने जो स्टिमुलस पैकेज में उन्होंने एक अनाउंस किया है, 3,00,000 करोड़ का पैकेज, जो कि हमारे व्यापारी भाइयों जो हैं, जो स्मॉल मीडियम और माइक्रो स्मॉल जो अपने व्यापारी हैं, उन भाइयों के लिए उन्होंने एक 3,00,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। उसके माध्यम से वो गवर्नमेंट बैंक को ये ऑर्डर दे रही है कि आप लोन दीजिए और हम आप अगर कुछ होता है, उसमें कुछ डिफॉल्ट वगैरह होता है, देन गवर्नमेंट उसके लिए लायबल है और रिस्पॉन्सिबल है। और उसके तहत जो स्कीम है, उसके तहत गवर्नमेंट उनके जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी मदद कर रही है बैंक को, व्यापारी भाइयों को बैंक के तरफ से। दिनेश जी, तो क्या हम कह सकते हैं कि लोन लेना आसान हो गया है? आसान तो ऐसा बताऊं कि जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, वो तो पहले भी वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही हैं। हाँ, इंटरेस्ट रेट जो है, जैसे कि पहले जो हमारे इंटरेस्ट रेट थे वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ 2% या 3% की जो रियायत है वो व्यापारी भाइयों को मिल रही है बैंक के माध्यम से। अच्छा, हमें बताइए कि कोरोना काल में जो यह पैकेज आया है, तो क्या लोन मिलना शुरू हो गया है या सिर्फ अभी घोषणा हुई है? मैं कल ही देख रहा था, कल से उन्होंने चालू किया है। कल मैं 28 मई को रात को देख रहा था, कल उन्होंने स्टार्ट तो किया है। अभी इनको उन्होंने अनाउंस तो बहुत पहले कर दिया था, लेकिन बैंक में मैंने जब चेक किया, बहुत सारे बैंकों में मैंने चेक किया, तो उन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, शुरुआत नहीं की उन्होंने। बट बहुत ही जल्दी, 1-2 या 3 दिनों में पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी जो बोलते हैं ना कि लोन देने की जो क्या प्रक्रिया है, क्या है, बैंक को भी अभी तरह कुछ ठीक तरह से मालूम नहीं है, तो वो लोग भी 2-3 दिन में उनको पूरी तरह से जो उसकी जो प्रक्रिया है, वो गवर्नमेंट से कैसे लेना है, क्या नहीं करना है, वो पूरी बैंक को पता चल जाएगी 2-3 दिनों में। मैं जानना चाहूंगी ये जो पैकेज की घोषणा हुई है उसमें लोन लेने का प्रोसेस क्या है? देखिए, इसमें जो 3,00,000 करोड़ का जो लोन है वो स्पेसिफिकली जो हमारे जो छोटे व्यापारी या जो मध्यम व्यापारी हैं उनके लिए हुआ है। ये मतलब जैसे रिलायंस और टाटा कंपनी की जैसे जो कंपनियां हैं, वैसे उन लोगों के लिए नहीं है ये। इसमें दो तरह के इसमें लोन्स के लिए है। एक तो हमारा जो ऑलरेडी किसी ने लोन लिया हुआ है, 29 फरवरी 2020 के पहले अगर किसी ने लोन लिया हुआ है तो उसको 20% और अतिरिक्त लोन उनको मिल जाएगा। तो इनकी जो प्रक्रिया है वो पूरी वेबसाइट में दी हुई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं वहाँ पे, जैसे कि आपके जो KYC लगेंगे, आपके आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कंपनी की पूरी डिटेल लगेगी, उनकी क्या इनकम प्रूफ है, उनका जो GST रिटर्न वगैरह फाइल किया हुआ है, नहीं किया हुआ है टाइम पे, तो ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, एक लिस्ट है वेबसाइट पे, वो हम लोगों को जमा कराने पड़ेंगे और जो प्रोसेस है उसके हिसाब से वो उनको लोन मिल जाएगा। दिनेश जी, हमें बताइए कि नया लोन दिया जा रहा है या पुराने लोन में ही 20% एक्स्ट्रा करके प्रोवाइड किया जा रहा है? नहीं, नया लोन भी दे रहे हैं, लेकिन जिसने ऑलरेडी पहले लिया हुआ है उसको भी एक और अतिरिक्त लोन दिया जा रहा है 20% के हिसाब से। अगर किसी ने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है 29 फरवरी के पहले, तो उसको भी 20% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है और नया लोन भी दिया जा रहा है।
अच्छा, जो लोन एनपीए हो चुका है, सरकार ने बोला है कि उनको भी लोन दिया जाएगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एनपीए सरकार तो घोषणा कर देती है, लेकिन जब तक हम लोग बैंक के पास जाते हैं, जो ग्राहक हमारे जो व्यापारी भाई हैं या फिर जिसको भी लोन लेना होता है, वो जब बैंक तक पहुंचते हैं तो एक सिबिल बोल के एक स्कोर है, सिबिल बोल के एक स्कीम होती, वो स्कोर होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब बैंक लोन देना होता है अगर किसी को, तो वो सबसे पहले वो उसका पैन कार्ड आधार कार्ड लेके वो ज़रूर चेक करता है कि सामने जो व्यापारी भाई हैं या फिर किसी भी हमारे जो दोस्त हैं उनको कोई लोन लेना होता है, तो वो सबसे पहले वो सिबिल चेक करते हैं, वो उनका सिबिल स्कोर क्या है। तो अगर वो एनपीए है अकाउंट, तो ऑफकोर्स उन्होंने कुछ ना कुछ डिफॉल्ट किया होगा लोन का रिपेमेंट करने में या कोई सेटलमेंट करने में, तो उस दौरान में उनका जो सिबिल स्कोर है बहुत कम हो जाता है, 500 के नीचे या 400 के नीचे हो जाता है, तो बैंक उनको मना तो नहीं करती है, बट उनको बोलती है कि थोड़ा टाइम लगेगा या और भी किसी और किसी कारण से उनको थोड़ा डिले करती रहती है। आर्थिक पैकेज के रूप में जो लोन आया है, सरकार बोल रही है बैंकों को कि वह व्यापारियों को प्रोवाइड करे, तो सरकार और बैंकों के बीच तनातनी हो सकती है क्या? तनातनी तो हो रही है, क्योंकि जब कोई डिफॉल्ट होता है या फिर सरकार ने तो घोषणा कर दी कि लोन दे दीजिए आप, लेकिन लोन देने के बाद में अगर वो रिकवरी नहीं होती है, उससे अगर बकाया जो रकम है वो अगर वापस नहीं आती है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिकवरी जो है वो बैंक को ही करनी पड़ती है। तो बैंक इसमें बहुत सावधानी बरतती है आजकल, जब जैसे आपने विजय माल्या और नीरव मोदी का जो केस होने के बाद में मैक्सिमम जो बैंक है वो बहुत ही नो सावधानी से लोन देती है और बहुत अच्छी तरह से KYC वगैरह और जो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके ही लोन देती है। अच्छा, हमें बताइए एक लोन मिलने में एक व्यापारी को कितना वक्त लगेगा? देखिए, लोन निर्भर करता है वो कैसा लोन है। लोन हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, कार लोन है, एजुकेशनल लोन है, होम लोन है, बिजनेस लोन है, बहुत तरह के लोन होते हैं। तो ये निर्भर करता है कि वो किस तरह का लोन है। सिक्योर्ड लोन में हम ये बोल सकते हैं कि बैंक का थोड़ा रिस्क जो है वो कम होता है, जैसे कि होम लोन है उसमें बैंक क्या करती है कि लोन के बदले में उसका जो घर है उसको वो गिरवी रख लेती है वो, और उसके बदले में वो उसको लोन दे देती है। जैसे कि जब भी हम कभी घर लेने जाते हैं, तो उसके ऊपर जब लोन देने जाते हैं बैंक से, तो वो हमको 20% हमसे डाउन पेमेंट करवाता है और 80% का लोन देता है। ये जो 20% और 80% का जो परसेंटेज है वो बैंक टू बैंक वैरी करता है, मूलतः यही एक परसेंटेज माना जाता है हमारे आमतौर के लोन मार्केट में। दिनेश जी, आर्थिक पैकेज के रूप में जो लोन आया है, उसे सरकार ने क्या कहा है, सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन? सरकार ने जो घोषणा की है 3 लाख करोड़ के पैकेज की, ये पूरी तरह कोलेटरल फ्री है, इसमें किसी तरह का कुछ गिरवी या कुछ भी सिक्योरिटी रखनी नहीं पड़ती है व्यापारी भाइयों को। लेकिन बैंक अक्सर ये जब हमारे जो व्यापारी भाई हैं या जो भी लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो वो बैंक वाले जो होते हैं वो व्यापारी भाई से पूछते हैं सबसे पहले कि कुछ आपके पास में रखने को है क्या, सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह है या नहीं है, वो जस्ट अपना रिस्क थोड़ा कम करने के लिए पूछते हैं। अदरवाइज जो सरकार ने जो उनको दिया है स्कीम, जो घोषणा की है, उसके तहत ये पूरी तरह कोलेटरल फ्री है, इसके तहत आपको कुछ भी सिक्योरिटी या कुछ भी जमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बैंक टू बैंक ये निर्भर करता है कि कौन सा बैंक क्या कंडीशन रखता है। अच्छा, हमें बताइए आर्थिक पैकेज का यह जो लोन है वह सरकारी बैंकों के द्वारा दिया जाएगा या प्राइवेट बैंकों के द्वारा? नहीं, इसमें सारी बैंक्स भी शामिल है, लेकिन PSU बैंक ज़्यादातर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, क्योंकि सरकार के द्वारा ये सपोर्ट रहता है और प्राइवेट बैंक भी देती है। ये एक ODI के माध्यम से होता है, एक ODI भी होती है, ODI फैसिलिटी होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग CGT SME स्कीम। उसके तहत जो भी इंटरेस्ट रेट होता है लोन के ऊपर में, उसमें 2% की जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट बैंक को देती है। मतलब मान लीजिए अगर 12% पे लोन मिल रहा है, तो जो 2% का जो है सब्सिडी वो गवर्नमेंट बैंक को देती है, और बैंक जो है वो सब्सिडी पास ऑन करती है ग्राहक को। ये जो लोन है वह व्यापारियों को कब तक अवेलेबल हो पाएगा? देखिए, कल मैं वेबसाइट में देख रहा था कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलनी चालू हो गई है, फॉर्म वगैरह अवेलेबल हो गया है, लेकिन पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ 5 या 6 दिनों में, मतलब 1 हफ्ते में ये पूरी तरह अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट्स में, और बैंकों को भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह से इसकी प्रक्रिया चालू की जाए। अच्छा, MSME लोन के एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है? जो MSME लोन का जो एप्लीकेशन जो प्रोसेस है, वो आप एक वेबसाइट है जिसका नाम है उदया मी मित्रा, UDAYMIMITRA.IN। इस साइट पे जाके आप अपने जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स हैं वो आप अपलोड कीजिए,
और फिर आपको एक लिंक आ जाएगा, उसके जरिए आपको जो भी उसके जो प्रोसेस है वो आपको बताया जाएगा। अच्छा ये बताइए, इस स्कीम में गारंटी फीस लगेगी क्या? इस स्कीम के तहत आपको इस बार कोई भी गारंटी फीस नहीं लगेगी। सरकार ने गारंटी फीस भी माफ़ कर दी है, जो पहले लगती थी इस स्कीम में नहीं लगेगी। ये स्कीम कब तक वैलिड है? ये स्कीम जो है वो 31 अक्टूबर 2020 तक है। दिनेश जी, आखिर में मैं जानना चाहूंगी कि इस बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द उस साइट पे जाके इस पे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे जो मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स आप भरिए, और आपको जो लोन है वो ऑनलाइन ही आपको अप्रूव हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ दिनेश जी के द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके काम आएगी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहे न्याय टीवी पर। नमस्कार। बने रहे NYTV.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचती रहे।